पाकिस्तानी ओपनर आबिद अली 142 साल क्रिकेट हिस्ट्री के बहुत ऐसे बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने डेब्यू वनडे में सेंचुरी की और डेब्यू टेस्ट मैच में सेंचुरी करती। तो भैया आज से पहले किसी भी बैट्समैन ने वनडे के डेब्यू में सेंचुरी नहीं की और उसके बाद टेस्ट डेब्यू में सेंचुरी नहीं की। तो भैया वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें। तो भैया पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर टेस्ट क्रिकेट वापस आ चुकी है और पहले ही टेस्ट मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की उम्दा परफॉर्मेंस, बारिश ने मज़ा सारा किरकिरा कर दिया, लेकिन आखिरी दिन में पाकिस्तानी बैट्समैनों ने उम्दा और आला परफॉर्मेंस दिखाकर मैच का मज़ा दुबाला कर दिया। खासतौर पर आबिद अली की बैटिंग और बाबर आजम की बैटिंग, बाबर आजम ने 100 कर ICC टॉप 10 रैंकिंग में अपनी जगह बना ली और उनके साथ साथ आबिद अली ने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिया डेब्यू मैच में सेंचुरी कर। आबिद अली ने 109 रन की इनिंग खेली और बाबर आजम 102 रन की इनिंग के साथ नॉट आउट रहे। 142 साल क्रिकेट हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि डेब्यू टेस्ट सेंचुरी और डेब्यू वनडे सेंचुरी। इसके बाद आबिद अली को बहुत सी जगह पर मुबारकबाद मिली। आबिद अली की मुकम्मल तौर पर डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके थक गए थे, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम नहीं मिल रहा था, लेकिन जो ही इमामुल्लाह की ख़राब परफॉर्मेंस हुई आबिद अली को मौका मिला और आबिद अली ने डेब्यू में ही सेंचुरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आबिद अली जब 90 के फिगर्स पर गए तो आबिद अली कुछ परेशान ज़रूर दिखाई दिए थे, कुछ उनकी बैटिंग रिदम स्लो हो गया था, लेकिन बाबर आजम का ऐसा कहना था कि मैंने आबिद अली को बहुत ज़्यादा मशवरे और हौसले दिए कि आपने सेंचुरी करनी है। तो उन्होंने अपना अज़्म अपने पास रखा और सेंचुरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। तो भैया क्या आबिद अली की इस परफॉर्मेंस से आप खुश हैं? क्या इमामुल्लाह की जगह पर आबिद अली को कंसिस्टेंटली चांस मिलना चाहिए या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।